पूजनीय संत समाज, सद्गुरु कबीर ने बीजक में साखी प्रकरण में एक साखी कही है, राह बिचारी क्या करे जो पंथी न चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। राह बिचारी क्या करे जो पंथी न चले विचार, राह है लेकिन जो चलने वाला है वो विचार पूर्वक नहीं चलता, तो उसका जो गंतव्य है, जो लक्ष्य है, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता। तो फिर भला बताओ राह का क्या दोष है? और वो बुद्धू राह को छोड़ करके उजार में भटक रहा है। हर रास्ते का अपना सुख होता है और हर रास्ते का अपना दुख होता है। एक आदमी है, वो रेगिस्तान से यात्रा कर रहा है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बालू का, हवा चलती है तो मानो बालू का तूफान उठता हो, बालू के टीले दाएं और बाएं, दूर तक सिर्फ बालू, न कोई पेड़ दिखता है, न कोई पौधा दिखता है और न ही कोई जलाशय जहां से प्यास बुझाई जा सके। इस रास्ते का जो दुख है वो दूसरा नहीं जान सकता। एक आदमी है, उसका रास्ता एक जंगल से होकर के गुजरता है, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, फल लगे हुए हैं, जलाशय है, बहुत सुगमता से वो चला जा रहा है। जाने में उसकी एक मौज है, एक खुशी है। जैसे रेगिस्तान के रास्ते का अपना दुख है, वैसे ही जंगल के रास्ते का अपना एक सुख है। जो जिस रास्ते पे चलता है वह उस रास्ते के सुख और दुख से परिचित होता है। जो संसार का रास्ता है वह रेगिस्तान का रास्ता है, मरुस्थल से गुजरता हुआ वह रास्ता है, और साधना का रास्ता, मोक्ष पथ, कल्याण पथ, मुक्ति पथ, एक जंगल से गुजरता हुआ रास्ता है। कोई साधक हो, साधना के रास्ते को उसने चुना हो, लेकिन उसका उसमें मन न लगता हो, उसको वह रास्ता शुष्क और नीरस लगता हो, जो साधना का रास्ता है उसमें चमक दमक नहीं होती है, उसमें कोई उत्तेजना, कोई नयापन, कोई आश्चर्यजनक बात, ऐसा कुछ नहीं होता है। वह एक सामान्य और समतल सा रास्ता होता है। तो जिनके मन में जरा थोड़ा रजोगुण ज्यादा होता है, जिन्हें चकाचौंध चाहिए होती है, जिन्हें थोड़ा सा दिखावा का शौक है, देखने का शौक है, उनको लगता है यह साधना, ये क्या रास्ता है, क्या है इस रास्ते में। तो वो उस रास्ते को छोड़ करके
जो सांसारिकता का रास्ता है, कुछ उधर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। कभी आप देखें उन साधुओं को जो तबला, हारमोनियम, पेटी, झांझ, मंजीरा बजाते हों और गाते हों, इस रास्ते की तरफ वो इसलिए प्रेरित हुए कि इसमें थोड़ी लहर है, थोड़ी वाहवाही है, थोड़ा रास रंग है, थोड़ा मनोरंजन है। ये जो समाज होता है ना, जो संसार के लोग होते हैं, इन्हें तुम जितना स्थूल से स्थूल, मोटा से मोटा माल परोसोगे, ये उतने खुश होते हैं। और जितना इन्हें सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान दोगे, उतना ही यह उन्हें नीरस जान पड़ेगा। ये कथा कहने वाले, पांडवानी गाने वाले, नाच गान करने वाले, नौटंकी करने वाले, इनके समारोहों में कितनी भीड़ होती है, क्योंकि उसमें मनोरंजन को स्थान मिलता है। इसलिए और जो साधना का रास्ता है वो दिखावे से बहुत दूर, बहुत अलग, सांसारिकता से जो जितना उदास होता जाता है, जितना मरता जाता है, वह साधना का मार्ग माना जाता है। और यह रास्ता इस सबको नहीं पचता। तो लोग क्या करते हैं, उतर आते हैं स्थूलता की तरफ। आज एक लेखक के बारे में पढ़ रहा था, अपने जीवन में जीते जी, उनके जीते जी उनकी एक भी पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाई थी। जब वो हॉस्पिटल पहुंच गए और जो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, उन सब ने जरा उनकी खोज खबर ली, तो उनके साथियों ने कहा, भाई इनकी इनकी कुछ रचनाओं को, इनकी कविताओं को हम प्रकाशित कर देते हैं। तो उधर वो हॉस्पिटल में कोमा में थे और इधर उनकी पुस्तक के प्रकाशन में लोग लगे, लेकिन वो मर पहले गए, पुस्तक बाद में छपी। उनकी जो कविताएं होती थीं, जो रचनाएं होती थीं, उसमें बहुत किस्सा कहानी नहीं होता था, काम की बात होती थी, जिसे बौद्धिकता कहते हैं वह होती थी। तो लोगों को बहुत पता नहीं चलता था कि क्या बोल रहे हैं। तो किसी ने बहुत उत्सुकता नहीं जाहिर की कभी किताबें छपे इनकी। तो उस लेखक ने लिखा है, एक दूसरे लेखक ने उन पर लिखा है, वो भी बड़े लेखक थे, उन्होंने लिखा है कि हमारे जैसे लोग जनता में प्रसिद्ध हैं, और वह जिसको पढ़ करके हमने लिखना सीखा, जनता में उसका नाम भी नहीं जानते हैं लोग। जितना ही सूक्ष्मता की हम बात करते हैं, उतना ही लोगों से हम दूर होते जाते हैं। उन्होंने उदाहरण कबीर साहब का दिया है उसमें कि कबीर के जैसे वो मरे, समाज से असंतुष्ट। कबीर कितना कुछ करना चाहते थे समाज के लिए, और अंत में कितने लोग उनको समझ पाए। उन्हें लगा
बहुत समझा लिया, बहुत कर लिया, अब काशी छोड़ो, अब नहीं समझा पाऊंगा, अब छोड़ो ये काशी, चलो चुपचाप रहो, उसी में सुकून है, ऐसे उन्होंने लिखा है। साधना का रास्ता सांसारिकता से अलग का रास्ता है, लेकिन अगर हमें मन का रास्ता पसंद है, मनोरंजन पसंद है, राग रंग पसंद है, थोड़ा रजोगुण भी ज़्यादा जोर मार रहा है, तब हम सोचते हैं थोड़ा संसार की तरफ चले जाएं, क्या बुरा है। एक आदमी हिमालय की तरफ गया था और वहाँ से वो मानसरोवर की यात्रा पर निकला था, तो कई महीनों तक हिमालय में रहने और हिमालय से ऊपर मानसरोवर झील, वहाँ की यात्रा करता हुआ वो अपने दक्षिण भारत की बात है वापस आया। और वो उस समय के जो संत थे रमण महर्षि, उनके पास गया, तमाम लोग बैठे हुए थे, तो उसने बताना शुरू किया, ऐसे गया, इस जगह ऐसी घटना घटी, फिर वहां गया, फिर वहां गया, 2 घंटे तक वो बताता रहा, 2 घंटे तक वो अपने हिमालय दर्शन और मानसरोवर यात्रा के बारे में बताता रहा। रमन चुपचाप सुनते रहे। जब उसने सुनाना पूरा किया तो रमन ने कहा, देखो इनको घूमने में 6 महीना लग गए, हम 2 घंटे में मानसरोवर यात्रा कर लिए। रमण के मन में कहीं जाने का भाव नहीं उठता था। एक छोटी सी पहाड़ी, उसी पहाड़ी पर वो रहते थे। 17 साल की उम्र में वो भाग करके उस पहाड़ी पर रहने आ गए थे और 71 साल की उम्र में कैंसर से वहीं पर मरे। 50 साल तक वो वहाँ रहे और उस जगह को छोड़ करके कहीं तीसरी जगह नहीं गए, पूरा जीवन वहीं पर गुजारे। वो पहाड़ी नहीं है, पहाड़ है, छोटा सा पहाड़ है, उसमें हिंसक पशु भी रहते थे, जंगली जानवर, लेकिन रमन पूरा जीवन वहां रहे और बहुत मौन, बहुत शांत, ऐसा नहीं काम नहीं करते थे, काम करते थे। शुरुआती दौर में जब वो अपनी छोटी सी जगह में रहा करते थे तो मैंने पढ़ा है कि वो थोड़ी सी कुछ खेती कर लिया करते थे वहां पर। स्त्रियां वहां से गुजरा करें अपने सिर पर बोझा लिए हुए, तो वो एक बाल्टी में पानी लेकर के और कुछ प्रसाद लेकर के वहाँ रख देते थे। काम वाली औरतें या काम वाले पुरुष वहाँ से गुजरें तो अपना बोझा उतार करके रख दें, थोड़ा सा प्रसाद खा लें और पानी पी लें और आगे बढ़ जाएं। जंगल जैसा था उसको साफ करते थे, उसको एक आश्रम का रूप दिया उन्होंने। ये सब काम उन्होंने किया जवानी में, लेकिन उनकी जो सबसे सुंदर चीज थी वो थी उनकी मौन रहने की प्रवृत्ति। रमन कहते थे साइलेंस इज द फीचर ऑफ साधु।
मौन साधुता की निशानी है। बाहर का मौन सिर्फ रहे तो उथला है, भीतर का मौन भीतर से ही मन शांत हो जाए, उसमें फिर हलचल ना हो, हरकत ना हो। और अगर भीतर हलचल है, भीतर हरकत है, भीतर रजोगुण है, तब फिर संसार प्यारा लगता है। और जो संसार का रास्ता है वो कैसा है? एक मरुस्थल से गुजरता हुआ रास्ता, जिसमें सिर्फ और सिर्फ थकान है, पीड़ा है, गर्मी है, बेचैनी है, भुंभुरू है, और कुछ नहीं है। मुसलमानों के जो अंतिम पैगंबर हैं हजरत मोहम्मद, उनके बारे में हदीस में लिखा मिलता है कि मोहम्मद का छोटा बच्चा मरा तो मोहम्मद उस छोटे बच्चे की लाश को अपनी गोदी में लेकर के फफक गए, फफक पड़े, रोने लग गए, और रोते रोते उनकी आंखें लाल हो गईं, चेहरा लाल हो गया। उस समय हजरत की उम्र 57 साल लिखी है, 57 साल के थे, और छोटा बच्चा है। मुझे लगता है छोटे बच्चे का मतलब 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। जो अल्लाह का पैगंबर है वो 57 साल की उम्र में अपने बच्चे के लिए रो रहा, सुन करके थोड़ा मन में लगता था कि कैसा पैगंबर था भाई। उनके कई बच्चे थे लेकिन मर गए थे। एक बिटिया थी फातिमा, जो कि पहली बीवी से थी, वही खास थी उनके लिए। संसार का रास्ता, सांसारिकता का रास्ता, यह रेगिस्तान से गुजरता हुआ रास्ता है। उनसे पूछो जो रेगिस्तान से गुजर रहे होंगे, वो बताएंगे रेगिस्तान का रास्ता कैसा है। सांसारिकता में कितना सुख है, जो आदमी संसार में डूबा है वो बताएगा उसका सुख। हम तो दूर से देख रहे हैं, अपने अपने कमरों की खिड़कियों से झांक करके देखते हैं, तो हमें बड़ा रसीला लगता है। और जो बेचारा सुबह निकलता है, दिन भर किसी तरह सोचता है इतना तो मैं लेकर के आ सकूं कि अपनी पत्नी और बच्चों को खिला सकूं, उससे पूछो, वह जानता है बेचारा क्या सुख होता है। कोई साधना का रास्ता विसर्जित कर दे बीच में ही और सांसारिकता के रास्ते पर चल पड़े, तो फिर भला बताओ साधना उसका कैसे हित कर पाएगी। तुम अपना रास्ता छोड़ करके संसार के उजड़े और बियाबा में भटक रहे हो, तुम्हारा कोई उपाय नहीं है। गुरु बिचारा क्या करे, शिष्य ही माँ है चूक। भावे त्यों परमोधिये, बांस बजाए फूक। गुरु क्या करे, शिष्य में ही चूक है, शिष्य की ही गलती है। वैसे ही रास्ता, रास्ता बढ़िया है, लेकिन हम रास्ते की अगर कद्र नहीं करते हैं तो फिर भला हमारे बचाव का क्या उपाय हो सकता है। साहब ने जो भी जीवन, कबीर साहब का जो समय है, आपने बताया कि वो 1398 उनकी पैदाइश है, तो 1398 को 14वीं शताब्दी कहा जाएगा। 14वीं मतलब जो 14 में चल रहा हो, 1385, 1388, 1398, ये 1399, 1400, तो ये 14वां चल रहा है।
और उनका जो समय है खास वो है 15वीं, और मरे कब हैं वो 1519 में, तो 1519 मतलब 16वां, वो आगे आगे चलता है। तो उनका जो समय है वो 15वीं शताब्दी है। कितने दिन जिए इसमें बड़ा फेर है। कबीर पंथ की परंपरा कहती है 120 साल, विचारक कहते हैं 120 नहीं, 50 और 70 साल के बीच में उनकी उम्र रखते हैं। वो कहते हैं कबीर मरे हैं 1519 में, ये प्रामाणिक है, इसी में 70 साल और घटा दो बस हो गया, 120 नहीं मानते हैं वो। लेकिन कितना मानते हैं, कितना जिए साहब, इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन उन्होंने जीवन में इतना अनुभव किया था, ये अनुभव से तपी हुई वाणी है। और हर आदमी एक दिन संसार से थकता है और उदास होता है, हर गुरु अपने चेलों से उदास होता है, हर घर का मुखिया अपने बच्चों से एक दिन परेशान होता है, ये नियम है। साहब ने यही कहा कि अगर तुम रास्ते को छोड़ दोगे और भटकने लग जाओ, तब ना गुरु तुम्हारा कुछ कर पाएंगे, ना साधु समाज कुछ कर पाएगा, ना विचारक लोग कर पाएंगे। बस तुम संसार में गेंद की तरह इधर उधर लुढ़कते हुए खो जाओगे। साहब की इन दो पंक्तियों के आधार पर कि राह बिचारी क्या करे जो पंथी न चले विचार, अपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार पर, थोड़ा निवेदन, अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।